Good morning students. Today in this video we'll learn about addition of mixed fractions. आज हम लोग जानेंगे addition करना mixed fractions का. तो पहले हम देखेंगे with same denominators. Mixed fractions का denominator जब same हो तो addition कैसे करते हैं. See the first example. I've taken two fractions over here. 1 1/4 and 2 2/4. दो fractions है 1 1/4 and 2 2/4. तो जब सेम डिनोमिनेटर होता है मिक्स फ्रैक्शंस का और एडिशन करना होता है हमें, तो हम दो मेथड से कर सकते हैं. हमारे पास दो मेथड है करने का. डिनोमिनेटर मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन करना हो और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वी आर हैविंग टू मेथड्स. सी द फर्स्ट मेथड. तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि पहले जो होल नंबर का पार्ट है, जैसे 1 1/4 में होल नंबर का पार्ट क्या है, 1 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट है. 2 2/4 में भी जो 2 है ये होल नंबर का पार्ट है और 2/4 ये प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट है. तो पहले हम क्या करेंगे कि होल नंबर के पार्ट को ऐड कर देंगे. तो 1 1/4 में 1 है होल नंबर का पार्ट और 2 2/4 में 2 है. मतलब पहले होल नंबर के पार्ट को हम ऐड कर देंगे, डैट इज़ 1 + 2 कर देंगे. यहाँ से 1 लिए और यहाँ से 2 लिए, ठीक है. और उसके बाद हम प्रॉपर फ्रैक्शन के पार्ट को ऐड करेंगे. डैट इज़ फर्स्ट फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, 1/4. तो 1/4 को ऐड करेंगे और सेकंड फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, 2/4, ठीक है. नाउ 1 + 2 इज़ 3. ये क्या आ गया, 3 आ गया. फिर प्लस का साइन देंगे क्योंकि हमें ऐड करना है. उसके बाद क्या करेंगे कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट है उसको ऐड करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर 4 ही हो जाएगा. ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी. और इन फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना है तो न्यूमरेटर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. डैट इज़ 1 + 2. तो ये क्या, ये 3 का फिर 3 लिख देंगे नीचे. फिर ये प्लस, क्योंकि इसका आंसर क्या आया हमारे पास, 3 आया, तो इसको नीचे उतारते जाएंगे, ठीक है. इसका भी सॉल्व कर रहे हैं तो ये आया न्यूमरेटर जो है वो 1 + 2 इज़ 3 और डिनोमिनेटर 4 ही हो जाएगा, ठीक है. 3 + 3/4 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 3 3/4, ठीक है. 3 आया होल नंबर के पार्ट से और 3/4 आया इस प्रॉप फ्रैक्शन के पार्ट से, दैट इज़ 1/4 + 2/4. तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 4 ही हो जाएगा और न्यूमरेटर 1 + 2 इज़ 3. तो ये होल दिस फ्रैक्शन क्या आ गया, ये मिक्स फ्रैक्शन में 3 3/4. सी द नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ मेथड 2. क्वेश्चन क्या हमारा, 1 1/4 + 2 2/4. अब सेकेंड मेथड में क्या करेंगे हम कि इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करें तो डिनोमिनेटर 4 ही हो जाएगा. और न्यूमरेटर के लिए क्या करेंगे, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 4 × 1 इज़ 4. और फिर न्यूमरेटर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दैट इज़ 4 × 1 इज़ 4, 4 + 1 इज़ 5. ये 4 1/4 का क्या आ गया, 5/4. 2 2/4 का भी मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. डिनोमिनेटर 4 है तो यहाँ भी डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा. न्यूमरेटर के लिए क्या करेंगे, 4 × 2 दैट इज़ 8 एंड 8 + 2 इज़ 10. ये हो गया 10/4. अब देखिए यहाँ पे दोनों लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर 4 है दोनों में, तो आगे स्टेप में भी क्या होगा, डिनोमिनेटर 4 ही होगा. और न्यूमरेटर्स को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, दैट इज़ 5 + 10. तो 5 + 10 क्या होगा, 15. डिनोमिनेटर इज़ 4. अब ये देखिए जो ये फ्रैक्शन आया हमारा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब हमारा क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम आंसर को भी क्या मिलाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन में ही लाएंगे. तो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में. दैट इज़ न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, 4 से डिवाइड करेंगे 15 को, ये 3 टाइम्स में 12 आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 3. तो ऐसे लिखते हैं, QRD लिखते हैं हम लोग, दैट इज़ क्वोशेंट रिमाइंडर एंड डिवाइजर. तो क्वोशेंट क्या है हमारा, 3. तो 3 यहाँ होल नंबर के पार्ट में हो जाएगा, रिमाइंडर भी क्या है, 3 है, तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा. और डिवाइजर इज़ 4, तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, दैट इज़ 3 3/4. तो आंसर हमारा क्या आ गया, 3 3/4. मेथड 1 से भी किए, जब इस मेथड से भी किए तो हमारा आंसर 3 3/4 आया, और जब सेकेंड मेथड से भी किए तो हमारा आंसर 3 3/4 ही आया. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग टू फ्रैक्शंस दैट आर 1 1/3 + 2 1/3.
ठीक है, डिनोमिनेटर्स आर सेम, हम दोनों मेथड इसमें देखेंगे, ठीक है। दैट इज़ फर्स्ट मेथड हम देखेंगे जब होल नंबर को पार्ट को अलग से ऐड करेंगे और फ्रैक्शन पार्ट को अलग से ऐड करेंगे, ठीक है, मेथड वन। तो यहाँ पे वन वन बाई थ्री है और टू वन बाई थ्री है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शंस में पहले हम होल नंबर के पार्ट को ऐड करेंगे। दैट इज इस फ्रैक्शन में होल नंबर का क्या पार्ट क्या है, वन है। सेकेंड वाले में क्या है होल नंबर का पार्ट, टू, ठीक है। और उसके बाद हम प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करेंगे। दैट इज़ फर्स्ट में है वन बाई थ्री और सेकेंड में भी क्या है वन बाई थ्री, ठीक है। तो वन प्लस टू इज़ थ्री, इसका आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर थ्री हो जाएगा और न्यूमरेटर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दैट इज़ वन प्लस वन इज़ टू, अब ये आ गया टू, थ्री प्लस टू बाई थ्री, तो ये क्या बन जाएगा, थ्री टू बाई थ्री। सी द नेक्स्ट मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, पहले वन वन बाई थ्री प्लस टू वन बाई थ्री, इसमें हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर थ्री है तो यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, थ्री, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, थ्री इंटू वन इज़ थ्री एंड थ्री प्लस वन इज़ फोर, ये हो गया फोर बाई थ्री, इसका क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर थ्री हो जाएगा और न्यूमरेटर थ्री इंटू टू इज सिक्स एंड सिक्स प्लस वन इज़ सेवन। लाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें भी डिनोमिनेटर आगे भी क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर थ्री हो जाएगा और न्यूमरेटर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डैट इज़ फोर प्लस सेवन इज़ इलेवन, तो ये आ गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन जब है मिक्स फ्रैक्शन में तो हमारा आंसर भी क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन में ही होगा। जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, दैट थ्री से डिवाइड करेंगे इलेवन को, थ्री टाइम्स में नाइन एंड रिमाइंडर विल बी टू। तो लिखते हैं क्यू आर डी, डैट इज़ क्वेश्चन रिमाइंडर एंड डिवाइजर। तो क्वेश्चन क्या आया, थ्री एंड रिमाइंडर इज़ टू एंड डिवाइजर इज़ थ्री, क्या आया, थ्री टू बाई थ्री। जब इस मेथड सेकेंड मेथड से भी किए तो थ्री टू बाई थ्री आया, फर्स्ट मेथड में भी थ्री टू बाई थ्री आया। नाउ वी लर्न द एडिशन व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल, द फ्रैक्शंस आर वन वन बाई सेवन एंड टू टू बाई थ्री। यहाँ पे दोनों मिक्स फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये जब मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसे हम क्या करेंगे, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेवन है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेवन हो जाएगा और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, सेवन इंटू वन डैट इज़ सेवन एंड सेवन प्लस वन इज़ एट, ये हो जाएगा एट बाई सेवन। यहाँ डिनोमिनेटर थ्री है तो इधर भी आगे स्टेप में भी डिनोमिनेटर थ्री होगा एंड न्यूमरेटर थ्री इंटू टू इज़ सिक्स एंड सिक्स प्लस टू इज़ एट, डैट इज़ एट बाई थ्री। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, पहले भी पढ़ चुके हम लोग एडिशन, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं पहले। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा, सेवन एंड थ्री, तो सेवन और थ्री का पहले एलसीएम लेंगे, सेवन थ्री, ये सेवन का सेवन ही रह जाएगा, ये वन, फिर सेवन से करेंगे तो ये वन वन, तो थ्री इंटू सेवन क्या है एलसीएम हमारा, थ्री इंटू सेवन इज़ ट्वेंटी वन। अब क्या करेंगे, फ्रैक्शंस का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, दैट इज़ एट बाई सेवन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इस एलसीएम को कहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ट्वेंटी वन है तो ट्वेंटी वन को, ट्वेंटी वन को नीचे लिखेंगे, ठीक है। दैट इज़ सेवन में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वेंटी वन होगा थ्री से, जब डिनोमिनेटर में थ्री से कर रहे हैं मतलब न्यूमरेटर में भी थ्री से करेंगे, दैट इज़ एट इंटू थ्री इज़ ट्वेंटी फोर, ठीक है। अब एट बाई थ्री का निकालेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इस ट्वेंटी वन को कहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे। अब थ्री में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वेंटी वन होगा, सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में सेवन से मल्टीप्लाई करें मतलब न्यूमरेटर में भी सेवन से करेंगे, दैट इज़ एटीन टू सेवन इज़ फिफ्टी सिक्स। दोनों एट बाई सेवन और एट बाई थ्री दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया, एट बाई सेवन का क्या आया, ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी वन, तो इसे हम ट्वेंटी इधर से लिखें, ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी वन, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। एट बाई थ्री का क्या आया, एट बाई थ्री का फिफ्टी सिक्स बाई ट्वेंटी वन, 56 बाई 21। दोनों लाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो आगे अगले स्टेप में भी क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 21 ही हो जाएगा और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। दैट इज़ 4 प्लस सिक्स इज़ टेन, ज़ीरो वन कैरी, 5 प्लस टू प्लस फाइव इज़ सेवन एंड सेवन प्लस वन इज़ एट, क्या आया ये 80 बाई 21। अब ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 80 को डिवाइड करेंगे किससे, 21 से।
तो 21 ones are 21, 21 twos are 42, 21 threes are 63 and 21 fours are 84. तो 84 तो बड़ा हो जा रहा है, तो 3 times में 63. सब्ट्रैक्ट किए तो रिमाइंडर क्या आया, 10 में से 3 गया तो 7 and 7 में से 6 गया तो 1, दैट इज 17 रिमाइंडर. तो हम लिखते हैं क्यू आर डी के फॉर्म में, दैट इज़ क्वेश्चन रिमाइंडर एंड डिवाइजर. तो क्वेश्चन क्या आया हमारा 3, तो 3 को यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर इज 17, तो 17 को न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में क्या 21. तो जब ऐड किए 1 1 बाई 7 प्लस 2 2 बाई 3, तो हमारा क्या आया आंसर 3 17 बाई 21. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द क्वेश्चन इज 3 बाई 4 प्लस 3 1 बाई 6 प्लस 2 5 बाई 12. यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस है, 3 बाई 4 3 1 बाई 6 एंड 2 5 बाई 12. ये जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको 3 बाई 4 ही लिख देंगे. ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डैट इज़ यहाँ पर डिनोमिनेटर 6 है तो डिनोमिनेटर 6 ही हो जाएगा, और न्यूमरेटर 6 into 3 is 18 and 18 plus 1 is 19, ये हो गया 19. डिनोमिनेटर 12 एंड न्यूमरेटर इज 12 into 2 is 24, 24 plus 5 is 29. ठीक है, डिनोमिनेटर सब में क्या डिफरेंट है, जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होता है तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, दैट इज 4, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे. तो 2 से पहले करेंगे तो ये 2 times में, ये 3 times में, ये 6 times में, फिर 2 से करेंगे तो ये 1, ये 3 का 3 हो जाएगा और ये 6 क्या हो जाएगा 3, फिर ये 3 से तो 1 1 and 1. तो एलसीएम क्या आया मेरा, 2 into 2 is 4 and 4 into 3 is 12, एलसीएम इज 12. जब एलसीएम निकाल देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम इस फ्रैक्शंस का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे. तो 3 बाई 4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, तो इस एलसीएम को कहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ 12 हो जाएगा. 4 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 होगा 3 से, तो न्यूमरेटर में भी 3 से, दैट इज 3 into 3 is 9. नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है हमारा, 19 बाई 6. 19 बाई 6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, एलसीएम को नीचे लिखेंगे, तो 6 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 होगा 2 से, तो न्यूमरेटर में भी 2 से, डैट इज़ 19 into 2 is 38. एंड 29 बाई 12 का भी न्यूमरेटर, एलसीएम को डिनोमिनेटर में रखेंगे, 12 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा 1 से, न्यूमरेटर में भी 1 से, डैट इज 29 into 1 is 29. अब ये जितने 3 फ्रैक्शंस थे हमारे वो लाइक फ्रैक्शन हो गए, दैट इज़ 9 बाई 12 प्लस 38 बाई 12 प्लस 29 बाई 12. डिनोमिनेटर आगे अगले स्टेप में भी क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा, एंड न्यूमरेटर 9 plus 8 is 17 and 17 plus 9 is 26. 2 carry 2 plus 3 is 5 and 5 plus 2 is 7. ये क्या आ गया, न्यूमरेटर 76 और डिनोमिनेटर 12. ये देखिए, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में. तो डिवाइड करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे 76 को, तो 6 times में 72 और रिमाइंडर क्या हो गया 4, डेट इज़ ये क्या फ्रैक्शन हो गया, 6 4 बाई 12. अब ये देखिए, ये जो 6 4 बाई 12 आया है, तो इस फ्रैक्शन पार्ट को हम लोग 4 बाई 12 को हम लोग और छोटा इसको कर सकते हैं. तो ये 4 बाई 12, तो इस 4 और 12 को ऐसा नंबर से डिवाइड करेंगे, ऐसा नंबर ऐसा सोचेंगे जिसमें 4 आता हो और 12 भी आता हो. ठीक है, जब भी डिवाइड करेंगे तो एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो 4 और 12 है हमारा, तो कौन सा ऐसा नंबर से डिवाइड होगा 4 भी और 12 भी, तो ये 2 के टेबल में 2 टाइम्स में और ये 2 के टेबल में 6 टाइम्स में. अब ये देखिए, 2 और 6 अभी भी कोई नंबर से डिवाइड हो सकता है, ये 2 के टेबल में 1 time में और ये 2 के टेबल में 3 time में. अब ये प्राइम नंबर्स आ गए तो इसे हम छोड़ देंगे. अब तो 6 का हम लोग 6 ही लिखेंगे, और 4 बाई 12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आया, 4 का आया 1 और 12 का आया 3. मतलब हम लोग 6 4 बाई 12 को हम लोग लिख सकते हैं 6 1 बाई 3 भी. ठीक है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म. इसे और छोटा करके हम लोग क्या कर दिए, 4 बाई 12 को 1 बाई 3 लिख. इस 4 बाई 12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए एक और मेथड हम लोग के पास है. एक तो पहला रहा कि सोचकर कि कौन से नंबर से ही डिवाइड होगा ताकि वो छोटा हो जाए, और एक मेथड है कि हम इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे. ठीक है,
और जितना एच सी एफ आएगा उस एच सी एफ से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो एच सी एफ निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड है, हम लोग कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिवीज़न मेथड यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ फोर को मतलब बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये थ्री हुआ, डिवाइड हो गया। जो डिवाइज़र होता है हमारा वो एच सी एफ होता है, तो एच सी एफ क्या आया हमारा, एच सी एफ इज़ फोर, मतलब फोर से ही न्यूमरेटर भी डिवाइड होगा और डिनोमिनेटर भी। जब फोर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा वन और ये ट्वेल्व हो जाएगा क्या थ्री, दैट इज़ कितना आ गया सिक्स, वन बाई थ्री। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दीज एडिशंस ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।